आप इमेजिन करिए कि आप अपने शहर में रहते हैं और एक दिन आप उठे और अचानक से आपने देखा कि आपके घर के बाहर एक बहुत बड़ी सी दीवार बनी हुई है। इस दीवार को आप क्रॉस नहीं कर सकते और आपका पूरा शहर उस दीवार के साथ दो हिस्सों में बट गया। एक ऐसे ही असली दीवार के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। बर्लिन वॉल के बारे में आपने बहुत सुना होगा, या आपने बुक्स में पढ़ा होगा हिस्ट्री की, या फिर आपने मूवीज में देखा होगा, बट बहुत लोगों को पता नहीं एग्जैक्टली कि है क्या बर्लिन वॉल। कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जर्मनी हार गई और जीतने वाले कंट्रीज में थे एलाइड फोर्सेस, जिसमें थे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। ये चार कंट्रीज एलाइड फोर्सेस में थे जिन्होंने जर्मनी पे जीत हासिल की थी। तो जनरली लड़ाइयों में क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को हरा देती है तो जो जीती वाली कंट्री होती है वो हारी वाली कंट्री को किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ऐसा ही बिल्कुल यहाँ पे भी हुआ था। एलाइड पावर्स में चार कंट्रीज ने जर्मनी को हराया था, तो उन चारों ने मिलकर पूरे जर्मनी देश को चार हिस्सों में बांट दिया। पर यहां पे बात ये हुई कि इस एलाइड फोर्सेस में जो चार कंट्रीज थी उनमें आपस में बहुत बनती नहीं थी। खासकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये तीनों एक साइड पे थे और रशिया एक अलग साइड पे था। ये तीन कंट्रीज ये मानते थे कि जर्मनी में इलेक्शंस होने चाहिए और इसका वापस डेवलपमेंट होना चाहिए। बट रशिया ये मानता था कि इस कंट्री को हमने जीता है तो हम इस कंट्री के रिसोर्सेज यूज करेंगे और इस कंट्री को इस्तेमाल करेंगे। तो इस माइंडसेट में डिफरेंस होने की वजह से इन चारों कंट्रीज में आपस में बहुत बनती नहीं थी, स्पेशली जर्मनी में। तो उन्होंने क्या किया, जर्मनी को चार हिस्सों में बांटा, बट तीन कंट्रीज, यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस, ये तीन कंट्रीज एक साथ हो गई और इन्होंने जर्मनी का एक हिस्सा कर दिया। इस एक हिस्से को कहा जाने लगा द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, या फिर वेस्ट जर्मनी, क्योंकि जर्मनी के वेस्ट हिस्से में था। और जर्मनी का जो हिस्सा रशिया के पास था उस हिस्से का नाम पड़ा जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या फिर सिंपल भाषा में ईस्ट जर्मनी, क्योंकि ये ईस्ट हिस्से में था। तो इस तरह से पूरे जर्मनी को इन दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। बट इस सब में इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जो जर्मनी की कैपिटल थी बर्लिन, वो शहर पड़ता था रशिया के हिस्से में, यानी ईस्ट जर्मनी के हिस्से में। इसीलिए बर्लिन शहर को भी इन दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्से में थे ये तीन कंट्रीज, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, और एक हिस्से में थे रशिया। इस तरह से साल बीतते गए और हो ये रहा था कि जो वेस्टर्न हिस्सा था जर्मनी का, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस लोग थे, उस हिस्से में बहुत डेवलपमेंट हो रहा था। वहां पे जॉब्स क्रिएट हो रही थी, वहां पे लोग उन्नति कर रहे थे, लोगों के पास गैजेट्स थे और जनरली लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी। बट जो ईस्टर्न साइड था, जो रशिया के कंट्रोल में था, वहां पर उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, वहां पे जॉब ग्रोथ नहीं थी और इसलिए लोग परेशान होके यहां से ईस्ट साइड से धीरे धीरे वेस्ट में आने लगे। तो 1949 से लेके 1961 तक, यानी 12 साल में 30 लाख लोग ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी में आ गए। 30 लाख उस जमाने में जर्मनी के ईस्ट साइड की 20% पॉपुलेशन थी। तो आप सोच के देखिए कि अगर आपके कंट्रोल में कोई जगह है और उस जगह के 20% पॉपुलेशन वहां से निकल गई है, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। ईस्ट जर्मनी से लोग वेस्ट जर्मनी में इतने आसानी से नहीं आ पाए, तो रशिया ने क्या किया, जो उनका हिस्सा था जर्मनी का, उस हिस्से के आसपास उन्होंने एक बाउंड्री खड़ी कर दी, एक बार्ड वायर की तार लगा दी और बाउंड्री खड़ी कर दी, और लोगों का यहां से वहां जाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। और अगर आपको जाना होता था तो आपको बहुत डॉक्यूमेंटेशन दिखाना पड़ता। बट यहां पे कहानी में ट्विस्ट आता है। हालांकि रशिया ने अपना पूरा हिस्सा कवर कर लिया था बाउंड्री लगा के, पर बर्लिन जो रशिया के हिस्से के अंदर था वहां पर प्रॉब्लम हो रही थी। होता क्या था कि जिन लोगों को ईस्ट से वेस्ट में जाना है वो अभी जा नहीं पा रहे, बट वो क्या करते थे, वो जाते थे बर्लिन में, और बर्लिन में सीधा, बर्लिन में तो ईस्ट वेस्ट मिक्स ही था, तो वहां से सीधे वो चले जाते थे वेस्ट बर्लिन में, और वहां से ट्रेन पकड़ के चले जाते थे वेस्ट में। तो इस तरह से लोग बर्लिन को यूज करके ईस्ट से वेस्ट में जा रहे थे। इस बात से ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट बहुत परेशान होने लगी। वो सोचने लगे कि कैसे लोगों को रोका जाए। तो उस समय लोगों में ये अफवाह फैलने लगी कि बर्लिन में कुछ टाइट सिक्योरिटी की जाने वाली है, जल्द ही बर्लिन शहर को भी किसी तरह से बाउंड्री लगा दी जाएगी, पैक कर दिया जाएगा। बट लोगों को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये चीज इतना अचानक और इतना जल्दी होगी। 12 अगस्त 1961 की रात को, आधी रात को, जब ईस्ट बर्लिन के लोग सो रहे थे, तो बहुत सारे ईस्ट बर्लिन के सोल्जर्स बॉर्डर के पास इकट्ठा हुए और उन्होंने वहां पे रातों रात वायर्स खड़े करने शुरू कर दिए बर्लिन शहर के बीचों बीच। और जो जो रोड्स ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन में जाते थे उन रोड्स को बंद कर दिया गया। जितनी टेलीफोन लाइंस थी उन टेलीफोन लाइंस को काट दिया गया। रेल रोड्स, रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया गया। तो इस तरह से वेस्ट बर्लिन को, वो हिस्सा जो अमेरिका और ब्रिटेन के कंट्रोल में था, उस पूरे हिस्से के आसपास इन्होंने लगा दी फेंसिंग और बाउंड्री क्रिएट कर दी। और इसी बाउंड्री को फिर कहा जाने लगा द बर्लिन वॉल।
शुरू शुरू में ये वॉल बर्लिन शहर के बिल्कुल बीचों बीच बनाई गई थी, और शुरू में सिर्फ तार थे और खंबे थे और तार बंधे थे ताकि लोग क्रॉस ना कर पाए। बट लोग क्या करते थे, नीचे से निकल जाते थे या ऊपर से कूद के निकल जाते थे। फिर धीरे धीरे पूरे वेस्ट बर्लिन को, जिस हिस्से पे यूएस और ब्रिटेन का कंट्रोल था, उस पूरे हिस्से को बंद कर दिया गया ताकि बाहर से लोग वेस्ट बर्लिन में ना आ पाए। पहले बर्लिन वॉल बहुत छोटी थी, बट धीरे धीरे उस वॉल की हाइट को बढ़ाया गया और उस वॉल के आसपास सिक्योरिटी को बढ़ाया गया। वॉल के ईस्ट बर्लिन साइड की तरफ जमीन पे रेत बिछा दी गई ताकि अगर कोई वॉल को क्रॉस करने की कोशिश करे तो उनके पैर के निशान नजर आ जाए अगर कोई रात में क्रॉस करता है तो। और वहां पे जमीन पे कांटे लगा दिए गए, और तो और वहां पे जमीन में लैंड माइंस बिछा दिए गए। तो वॉल तक पहुंचने से पहले आपको एक लंबा सा एरिया क्रॉस करना पड़ता था जमीन पे, उस एरिया को द डेथ स्ट्रिप कहने लगे क्योंकि वहां पर जाना मौत को बुलाने के बराबर था। और इसके अलावा भी एक ये और चीज उन्होंने की कि ईस्ट बर्लिन की साइड बहुत सारे वॉच टावर्स लगा दिए गए कि कोई भी इंसान अगर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तो उनको ये ऑर्डर दिया गया था कि सीधे उनको शूट कर दिया जाए। इतना स्ट्रिक्टली ईस्ट बर्लिन की गवर्नमेंट लोगों को वेस्ट में जाने से कंट्रोल कर रही थी। 1961 से लेके 1989 तक 150 से ज्यादा लोगों को क्रॉस करते समय उनको मार दिया गया। बट फिर भी इतना खतरा होने के बाद भी लोग ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन में जाने से चूकते नहीं थे, इस वॉल को क्रॉस करने से चूकते नहीं थे। इस पूरे टाइम के दौरान 5000 से ज्यादा लोग इलीगली क्रॉस किए। शुरू शुरू में कुछ लोग तार के ऊपर से क्रॉस कर लेते थे, फिर उसके बाद तार के नीचे से, फिर लोगों ने वॉल के बाजू में जो बिल्डिंग्स थी उसके ऊपर से जंप मार के क्रॉस करना शुरू किया, फिर उसके बाद लोगों ने नीचे टनल खोद के यानी सुरंग खोद के यहां से उस पार जाने की कोशिश की। ऐसे बहुत लोगों ने क्रॉस किया। ये तो फिर भी थोड़े से ट्रेडिशनल आइडियाज है, ये आपने सुने होंगे। कुछ लोग बहुत ही नए टाइप के आइडियाज लेके आए। कुछ लोग नहर में स्विम करके लंबा लंबा डिस्टेंस यहां से उस तरफ चले गए, कुछ लोग हॉट एयर बैलून में बैठ के हवा में गए फिर उड़ के इस तरफ चले गए। और एक इंसिडेंट जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसमें एक आदमी ने एक आर्मर्ड कार चुराई। आर्मर्ड कार मतलब ऐसी कार जिसको आप अगर शूट करोगे, जिसके ऊपर गोली चलाओगे तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उस कार को लेकर उसने वॉल में एकदम घुसेड़ दिया और वॉल थोड़ी सी टूटी, वॉल पूरी तरह टूट नहीं पाई बट थोड़ी सी डैमेज हुई, और फिर उसके बाद उस कार से निकल के वो उस तरफ कूद के चला गया। इस पूरे इंसिडेंट के दौरान उसको बहुत गोलियां लगी, उसको चोट लगी, फिर भी जब वो उस तरफ क्रॉस कर रहा था तो वेस्ट बर्लिन के जो गार्ड्स थे उन्होंने ईस्ट बर्लिन के गार्ड्स पे शूट करना शुरू किया ताकि इस बंदे को इस तरफ आने दे। और इस तरह से इस इंसान की कहानी फेमस हो गई। लोग ऐसा कहने लगे कि इस इंसान ने पूरा टैंक घुसेड़ दिया था वॉल में, बट वो टैंक नहीं था, वो एक आर्मर्ड कार थी। तो जैसे कि यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट इतना ज्यादा सीरियस थी इस वॉल को लेके कि किसी को क्रॉस ही नहीं करने देंगे। तो कैसे फाइनली ये वॉल गिरी, आखिर क्या हुआ कि इस वॉल को उनको हटाना पड़ा, इसकी भी बहुत जबरदस्त और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। शुरू शुरू में तो इस वॉल का फायदा हुआ ईस्ट जर्मनी को क्योंकि लोग आसानी से क्रॉस नहीं कर पाते थे, बट धीरे धीरे लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे और सड़कों पे बहुत प्रदर्शन, बहुत प्रोटेस्ट और नारेबाजी होने लगी। इसके अलावा एक और बात थी कि ईस्ट जर्मनी के साइड में जो कंट्रीज थे, नेबरिंग कंट्रीज जैसे चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, वहां पे रिसेंटली गवर्नमेंट में बदलाव हुआ था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि ईस्ट जर्मनी के कुछ लोग भाग के इन कंट्रीज में चले जाते थे और यहां से वो वेस्ट जर्मनी में चले जाते थे। तो इससे भी ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट फ्रस्ट्रेट हो रही थी क्योंकि लोग किसी ना किसी तरह से रास्ता निकाल ले रहे थे ईस्ट से वेस्ट जाने का। इस सब के साथ साथ 1970s के लेट में 1980s में जर्मनी में बहुत प्रोटेस्ट होने लगे। ईस्ट जर्मनी में लोग सड़कों पर उतरने लगे और लोगों ने अपना रोष प्रकट करना शुरू किया। इस सब के दौरान ईस्ट जर्मनी की जो गवर्नमेंट थी उन पे बहुत प्रेशर बनने लगा, उनकी अपनी जगह का पॉलिटिकल प्रेशर, लोकल प्रेशर, और आसपास इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उन लोगों को कहने लगी कि आपको लोगों को यहां से वहां जाने के लिए इतना स्ट्रिक्टली रोकना नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे ईस्ट जर्मनी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ट्रैवल वीजा थोड़ा सा आसान कर देंगे, आपको यहां से वहां जाने का प्रोसेस थोड़ा सा आसान कर देंगे। तो इस तरह से कंडीशंस इंप्रूव होने लगी। बट फाइनली जो मेन चीज हुई वो हुई एक बहुत ही ड्रामेटिक और फिल्मी तरीके से। साल 1989 में 8 नवंबर को ईस्ट जर्मनी ये अनाउंस कर रही थी कि हम अपने ट्रैवल वीजा और जनरली जितना भी यहां से वहां जाने का जो प्रोसेस है उसको हम थोड़ा सा आसान करने वाले हैं। अब लोगों को ईस्ट से वेस्ट जाने में इतना लंबा प्रोसेस नहीं फॉलो करना पड़ेगा, वो बिना कंडीशंस के यहां से वहां जा सकते हैं, बट इसके लिए उनको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा और वीजा ऑफिस में आके अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये गाइडलाइंस तैयार की ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट ने। अच्छा, गवर्नमेंट ने अपने एक स्पोक्स पर्सन को वो डॉक्यूमेंट दिया और उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। तो वो इंसान प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया और अपनी लास्ट में कॉन्फ्रेंस के दौरान उसने कहा कि हाँ, हम एक और चेंज कर रहे हैं कि हम यहां से वहां जाने का जो ट्रैवल का प्रोसेस है उसको आसान कर रहे हैं, अब लोग बिना कंडीशन के यहां से वहां जा सकते हैं। फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने पूछा कि सर, ये जो आप बता रहे हो कि चेंज होगा, ये लागू कब से होगा?
तो वो चेंज लागू होना था अगले दिन से और पूरे प्रोसेस के साथ, मतलब लोगों को एप्लीकेशन देना है, फिर उनका एप्लीकेशन चेक होगा और फिर उनको यहां से वहां जाने दिया जाएगा। बट उस स्पोक्स पर्सन को इतना डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं मिला था, तो उसके पास रफली नोट्स लिखे थे, उसने नोट्स में देखा और कंफ्यूज होकर कहा कि ये अभी से लागू होगा, राइट नाउ। और जब उसने अनाउंस किया तो दोनों तरफ, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, दोनों तरफ के न्यूज चैनल जो थे उन्होंने इस बात को एकदम ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया कि इस वॉल को अब धीरे धीरे हटाया जाएगा और लोग फ्रीली यहां से वहां जा सकते हैं। इस न्यूज के बाद रात को 8 बजे बड़ी मात्रा में, लाखों की संख्या में, दोनों तरफ लोग वॉल पे इकट्ठा होने लगे। तो ईस्ट बर्लिन की तरफ जो गार्ड्स थे बॉर्डर पे, उन्होंने देखा कि यार इतने सारे हजारों लाखों लोग आ रहे हैं और इनको तो हम अकेले रोक ही नहीं सकते। तो उन्होंने अपने सुपीरियर से फोन किया कि सर क्या करना है, और सुपीरियर ने बोला कि आप जाने मत देना इतने लोगों को। बट उन्होंने देखा कि इतने सारे लोग हैं और इतने को हम रोक नहीं पाएंगे, तो उन्होंने धीरे धीरे गेट्स खोल दिए। तो इस तरह हजारों लोग ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन में जाने लगे और लोग सेलिब्रेट करने लगे। रियलिटी में ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट ने यह प्लान नहीं किया था, उन्होंने ये सोचा था कि हम धीरे धीरे लोगों को छोड़ेंगे और हाँ हम प्रोसेस आसान कर देंगे बट ऐसा झटके में लोगों को नहीं छोड़ेंगे। बट किस्मत का खेल देखिए, उस स्पोक्स पर्सन ने रफली नोट्स में लिखा हुआ था और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय उसने कह दिया कि हाँ अभी से हम शुरू कर रहे हैं और कोई कंडीशंस लगेंगी नहीं, आप तुरंत जा सकते हैं। और किस तरह न्यूज ने इस बात को फैला दिया और लोग वहां पे आ गए और गार्ड्स उनको रोक नहीं पाए, और इस तरह से ईस्ट बर्लिन में जो वॉल थी, जो बर्लिन को दो हिस्सों में बांट के रखा था, उस वॉल को लोग तोड़ने लग गए। वो ऐतिहासिक दिन था 8 नवंबर 1989 का, जब बर्लिन वॉल अनऑफिशियली गिर गई। इसके एक साल के बाद साल 1990 में जर्मनी को ऑफिशियली यूनाइट किया गया, यानी ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को जोड़ दिया गया। तो इस तरह से बर्लिन वॉल की कहानी बहुत फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे वो वॉल सडनली एक दिन रातों रात खड़ी हो गई थी, 12 अगस्त की रात को जब लोग सो रहे थे और लोग सुबह उठे और वहां पे एक वॉल थी, जितने तेजी से और जितना सडनली ये वॉल खड़ी हुई थी, उतना ही तेजी से और उतना ही सडनली ये वॉल गिर गई। तो ये तो थी कहानी द राइज एंड फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल। अगर आपको हिस्ट्री की ऐसी स्टोरी जानने में इंटरेस्ट है तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक सामने है। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।